हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये हमारा पैनल है जीएसटी का, टू लूप का पैनल है। आज हम आपको बताएंगे कि इसके साउंडर को डिसेबल कैसे करेंगे। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि साउंडर सर्किट जो होता है उसको कैसे डिसेबल करते हैं, लेकिन आज हम आपको इसमें बताएंगे कि हम साउंडर को कैसे डिसेबल करते हैं। तो चलिए देखिए, साउंडर को डिसेबल करने के लिए सबसे पहले ये नंबर 8 पे जाएंगे, जिस पे लिखा हुआ है, देखिए, इनेबल एंड डिसेबल। तो हम इसको प्रेस करेंगे, देन इंटर प्रेस करेंगे। फिर डिस्प्ले पे देख लीजिए, नंबर 1 पे डिसेबल डिवाइस, इनेबल डिवाइस, डिसेबल इनेबल आउटपुट, डिसेबल इनेबल डिले, डिलीट नेट डिसेबल। तो सबसे पहले हम जाएंगे एक नंबर में, डिसेबल डिवाइस में। डिसेबल डिवाइस में जाने के बाद देखिए, इस पे दिया है इच जोन फॉर फुल्ली इनविजुअल पॉइंट आल लूप साउंडर यूज डिवाइस कोड। तो हमको करना है साउंडर डिसेबल, तो हम जाएंगे नंबर 3 पे। नंबर 3 प्रेस करेंगे तो इधर लिख के आएगा, फायर अलार्म सिस्टम प्रेस इंटर डिसेबलिंग आल लूप साउंडर। तो हम यहाँ से कर देंगे इंटर। जैसे ही इंटर करेंगे तो सक्सेसफुली लिख के आएगा, और यहाँ पे देखिए हमारा जो डिसेबल का है ये इंडिकेटर येलो कलर का कंटिन्यू जलेगा, और यहाँ पे भी जलेगा साउंडर फॉल्ट एंड डिसेबल। तो ये दोनों जगह पे हमारा इंडिकेशन आ जाएगा। और यहाँ पे हम चले जाएंगे, स्किप कर देंगे, तो हमारा डिस्प्ले पे भी देखिए फायर अलार्म सिस्टम विथ डिसेबल करके आ जाएगा, जिससे हमको पता चल जाएगा कि मेरा सिस्टम डिसेबल है। इसका मतलब हमारा पैनल अभी नॉर्मल है लेकिन डिसेबल में है। तो इस तरह से हम अपने साउंडर को डिसेबल कर लेते हैं। और इसको इनेबल कैसे करते हैं, सेम प्रोसीजर है। फिर हम जाएंगे नंबर 8 में, डिसेबल इनेबल में, इसको प्रेस करेंगे, देन इंटर प्रेस करेंगे। फिर हमारा सेम डिस्प्ले पे आ जाएगा डिसेबल डिवाइस, और हम जाएंगे डिसेबल डिवाइस एक नंबर में, देन देखिए नंबर 3 पे आल लूप साउंडर लिखा हुआ है। फिर हम जाएंगे नंबर 3 पे, देन प्रेस कर देंगे इंटर। तो ये हमारा हो गया डिसेबल का प्रोसीजर, जैसा कि हम अभी पीछे बताए थे। तो ये हो गया डिसेबल सेम। अभी हम आपको फिर इसको इनेबल करने के लिए स्किप कर देते हैं। 8 नंबर में आ गए, इंटर कर दिए, ये हमारा आ गया डिसेबल। तो अभी ऑलरेडी डिसेबल है, तो हमको करना है इनेबल। फिर आ जाएंगे 2 नंबर में, 2 नंबर में आने के बाद सेम यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है इच जोन फुल्ली इनविजुअल पॉइंट्स आल लूप साउंडर यूज डिवाइस कोड। सो हमको साउंडर डिसेबल किए तो प्रेस कर देंगे इंटर। इंटर करने के बाद इधर डिसेबल का अभी भी है, क्योंकि हमने 2 बार साउंडर को डिसेबल किया था। इसके लिए बैक जा कर के फिर हमको आना पड़ेगा यहाँ पे इंटर। नंबर 2 में है हमारा इनेबल, फिर नंबर 3 में है आल लूप साउंडर, देन इंटर। तो अभी देखिए यहाँ पे पूरा हमारा चला गया, ओनली अभी पावर का लाइट जल रहा है। फिर हम जाएंगे बैक। बैक जाने के बाद अभी देखिए डिस्प्ले पे भी फायर अलार्म ओनली सिस्टम लिख रहा है, अभी यहाँ पे डिसेबल हट गया। मतलब अभी फुल्ली पैनल हमारा नॉर्मल हो गया। और ये बहुत ही आसान तरीका है डिसेबल इनेबल करने का साउंडर का। ओके दोस्तों।